हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नितिका एंड नाउ करंट टाइम इज़ 4:48 PM। मॉर्निंग का टाइम नहीं है आज, नहीं तो आपको लगा सुबह सुबह उठ गई मैं पढ़ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले सोई थी और अभी मैं कुछ खा पी के अभी आ गई हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने। सो चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को करते हैं शुरू। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद से देखते हैं हम क्या करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभी पढ़ाई करिए। हाय गाइस, तो आप लोग सोच रहे हो ये तो पढ़ने जा रही थी। हाँ गाइस, मैं पढ़ने ही जा रही थी पर मैंने देखा शाम हो गया था और सबके घर पर लाइट्स जल चुकी थी और मैंने अभी तक अपनी लाइट्स नहीं जलाई थी बाहर की। तो वही मैं लाइट्स जलाने आ गई थी छत पे, क्योंकि इसका स्विच कनेक्शन छत पे ही है। तो मैं छत पे आ गई थी लाइट्स को जलाने और फिर अभी मैंने जला दी है लाइट सारी। अब मैं जाऊंगी नीचे, फिर शाम हो चुका है थोड़ा पूजा करके। अब शाम हो ही गया तो रुक जाते हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं शाम वाली, फिर उसके बाद से चलते हैं पढ़ाई स्टार्ट करने। यही होता है गाइस, सारे कामों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई जवाब सवाल नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। पर जब पढ़ने का टाइम आया तो सारी चीज़ें फ़िक्स होनी चाहिए। पहले सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी फिर हम पढ़ने बैठेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि हमें पढ़ने का मन करता नहीं, हम तो बहाने देते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा पहले वो कर लेते हैं, तो बीच में फिर उठना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ आपको बाहर से, ये छत पर से बाहर का व्यू और लाइट्स। हाय गाइस, तो अभी मैंने जैसे आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं जा रही हूँ पढ़ने, लेकिन पहले मैं छत पे चली गई थी लाइट जलाने, फिर लाइट जला के आई, फिर पूजा करने का टाइम हो गया, धन मैं पूजा करने चली गई। इस चक्कर में मैं फिर पढ़ नहीं पाई और मैंने भी सोचा कि अगर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने फिर उसके बाद से फिर बीच में मुझे उठना पड़ेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पहले वो दोनों काम कर ली, फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे एक घंटे का टाइमर, देन मैं फिर से बैठूंगी पढ़ने। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हम बॉटनी में यूनिट सेकंड का, जो फर्स्ट पेपर का जो यूनिट सेकंड है मैं वो पढ़ रही थी, कार्बन ऑक्सीडेशन वाली यूनिट। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था, मतलब जो नाइट में मैंने स्टडी किया था एक घंटे, उस वीडियो में भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा था और मैंने इसको थोड़ा सा कवर करने का कोशिश किया था। क्योंकि मैंने उस दिन कोई रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई की थी, मैंने जस्ट वैसे ही मैंने दिन में नहीं पढ़ा था, मुझे मन किया तो मैं बैठ गई पढ़ने। सो उस दिन मैंने जो भी पढ़ा था मैं उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको रिवाइज करूँगी, रिवाइज करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे जो आगे पढ़ना है एक या दो टॉपिक मैं उसको अच्छे से रिवाइज वो आगे जो पढ़ना है मैं पढ़ूंगी, देन उसके बाद अगर कुछ टाइम बच जाता है तो फिर मैं उसके बाद से उस पर उस टॉपिक पर MCQ सॉल्व करूँगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने अभी एक घंटे का टाइमर लगाया है और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, फिर मैं पढ़ रही हूँ और फिर थोड़ी देर बाद से उसके बाद से वीडियो में देखिए जो भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैंने टाइमर भी लगाया है और चलिए वीडियो में बने रहिए, बाकी चीज़ें तो आपको वीडियो में पता ही चलेगी आगे।
गाइस पढ़ते पढ़ते बीच में पता नहीं कब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और ये टाइमर चल रहा था। मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया और मैंने टाइमर को जस्ट देखा था मैंने, पर मैं ये नहीं देख रही थी कि कैमरा मतलब चालू है या फिर बंद है। पता नहीं कब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और बीच का वीडियो ही बना ही नहीं वीडियो। अब थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, तो मैं गई चार्ज में लगाई, और फिर जब 10-12 मिनट बचे फिर मुझे याद आया, तो फिर जो भी चार्ज हुआ मैं निकाल के फिर उसके बाद शूट करने लगी, क्योंकि बीच में पता नहीं कब ये वीडियो बंद हो गया। मुझे लग रहा है 10-15 मिनट की शूटिंग हुई ही नहीं है। सो, कोई बात नहीं, वीडियो भी वैसे काफ़ी लंबा हो जाता है, वैसे ही 30 मिनट की वीडियो थी, मैंने कट कर करके फिर उसको 8-10 मिनट की ये वीडियो एडिटिंग के टाइम बन ही जाती है वैसे भी। तो अभी मैं यहाँ पे वो चैप्टर मुझसे जितना कंप्लीट हुआ, वैसे वो चैप्टर पूरा कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, और मुझे ऐसे करना भी नहीं है, क्योंकि आराम से पढ़ना जितना भी हो पाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने वो चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरे पास बुक था मैंने उससे कुछ MCQ सॉल्व किया, क्योंकि उस जिस बुक से मैं MCQ सॉल्व कर रही थी उसमें मिसलिनियस MCQ थे। सो, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी MCQ थे पहले मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर फ़ोन से देख लेते हैं कुछ MCQ, तो पहले मैंने एक लगाया लेक्चर और उसमें से MCQ के पार्ट को लगा के देन मैंने MCQ सॉल्व किया। इसमें 15 MCQ थे जिसको मैंने सॉल्व किया, दैट्स इट। और यही चीज़ें मैंने की आज की इस वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना, और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना गाइज। आई होप कि आपको और अच्छे आगे वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आई होप यू एंजॉयिंग माई वीडियो, एंड गाइज धीरे धीरे वीडियो में प्रोग्रेस होगी और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। और अभी अगर आप लोग मेरे चैनल पे सपोर्ट बनाओगे तो फिर मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगी आगे। सो, मिलते हैं मेरे एक अच्छे से प्यारे से नए व्लॉग में। तब तक जो भी क्लिप बचा है आप उसको एंजॉय करिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में।